सच बताना, अगर तुलसीदास की पत्नी के डांटने पर तुलसीदास जी महान हुए तो आज घर घर पत्नियां डांटती, कोई तुलसीदास बना क्या? और डांटना छोड़ो बोसी तो अकेले में घुसक मार दे देती है। ध्यान देना, कोई तुलसीदास नहीं बना, प्रमाण दे रहा हूं, नोट कर लेना, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना। अगर पत्नी के डांटने पर तुलसीदास महान होते तो घर घर पत्नियां डांटती, कोई तुलसीदास नहीं बना। तुलसीदास जी महान थे पर पत्नी के थोड़े इशारे पर और महान हो गए, प्रमाण दे रहा हूं। कैसे? तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, सति सुधरे सती संग तुपाई, सति सुधरे सती संग तुपाई, सति सुधरे संग तुपाई, सति सुधरे संग तुपाई, पार सुबर उधाते सुहाई, पारस परस गुहाती सुहाई। चौपाई क्या कह रही है? सत्य सुधरे सत्य संग तुपाई, पारस परस कुधाते सुहाई। चौपाई का अर्थ तो सभी जानते हैं, सत आदमी को सत्संग मिल जाए तो सुधर जाता, जैसे पारस मणि को लोहा से लगाने से लोहा सोना बन जाता है। लेकिन एक चौपाई तुलसीदास जी ने और लिखी है, मूर्ख हृदय न चेतिए चै गुरु मिले विरंजस। मूर्ख आदमी को भोले बाबा के समान गुरु मिल जाए तो भी सुधरने वाला नहीं है। अब आप लोगों से मैं प्रस्ताव रख रहा हूं, जरा थोड़ा सा ध्यान लगाना, मन लगा के वो चीज दे दूंगा जो आप हर जगह समझा सकते हो, अपने बच्चों को समझा सकते हो। यही तो कथा है, कथा कोई अंग्रेजी दवा नहीं कि खाओ और बुखार उतर जाए। जरा समझना, मुंह सट का अर्थ क्या होता है? यानी अज्ञानी, समझदार तो है पर उस चीज का उसे ज्ञान नहीं है। अगर किसी ने समझाया वो समझ गया, मान लिया, है ना? और मूर्ख कौन होता है? मूर्ख वो होता है जो जान कर भी किसी की मानता नहीं है, वो होता है मूर्ख। तो तुलसीदास जी तो पहले से महान थे पर पत्नी का थोड़ा इशारा मिल गया तो और महान हो गए। निवेदन है आप लोगों से, कथा पर दो मिनट के लिए ध्यान दें। ऐसे ही राम जी महान हैं इसलिए उनका नाम महान है। बैठ जाएं, चला फिरी ना करें, प्लीज आगे बातचीत ना करें, पांच मिनट के लिए मन से कथा पर ध्यान दें। आप लोग जितना मन इधर देते हैं उतना ही मेरा मन लगता है, प्लीज ये दिमाग इसमें लगाना पड़ता है, थोड़ा निवेदन है। महाराज जिस समय सेतु का निर्माण हो रहा उस समय बानर भालू पत्थर पर राम नाम लिखते और पत्थर को समुद्र में छोड़ते, वो पत्थर तैरने लगता। किसके सहारे तैरता है? राम के नाम के सहारे तैरता है। राम जी ने देखा ये पत्थर मेरे नाम के सहारे तैरते हैं। राम जी ने सोचा मैं तो स्वयं राम हूं, मेरे हाथों से भी पत्थर तैरेगा। राम जी ने बड़ा सा पत्थर लिया और एकांत में गए और बड़ा सा पत्थर लेके जैसे समुद्र में छोड़ा वो पत्थर डूब गया। ये सारा दृश्य हनुमान जी देख रहे थे, हनुमान जी को हंसी आ गई।
राम जी ने देखा, हनुमान जी ने देख लिया। राम जी ने हनुमान को बुलाया, हनुमान तुमने देख लिया पर किसी से कहना नहीं। पर हे हनुमान मुझे एक बात बताओ, ये बानर भालू पत्थर पर राम नाम लिखते हैं और राम नाम लिख करके समुद्र में छोड़ते हैं, पत्थर तैरने लगता है, पर हनुमान मैं तो स्वयं राम हूं, मेरे हाथों से पत्थर क्यों डूब गया। जो हनुमान जी हंस रहे थे वही हनुमान जी हंसते हंसते रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु ये पत्थर तो आपके नाम के सहारे तैरते हैं, इन पत्थरों को आपका नाम की शक्ति आपके नाम की महिमा तहरा रही है, पर प्रभु आप तो स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा हैं और परम ब्रह्म परमात्मा जिसे छोड़ दे वो कभी तैर नहीं सकता है, उसे तो डूबना ही पड़ेगा। जिसे भगवान छोड़ दे वो कभी तैर नहीं सकता है, उसे तो डूबना पड़ेगा। निवेदन है जिसे भगवान पकड़ ले उसकी नैया भाव से पार हो जाती है और जिसे भगवान छोड़ दे महाराज उसकी नैया रास्ते में ही अटक जाती है। लागी लगने मत तोड़ना कन्हैया मोरी, लागी लगने मत तोड़ना कन्हैया मोरी, लागी लगने मत तोड़ना कन्हैया, लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना मोरी, लागी लगने मत तोड़ना कन्हैया मोरी, भगवान ने हाथ दिए आधे बजाओगे तो अगले दिन में आधे ही कर देगा। ऊपर हाथ करेंगे, पूरे करो, पूरे फुल ऊपर, जैसे मैं बजाऊं वैसे बजे। हाँ Thank you.
मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है। प्याज पे प्याज मत जोड़ना, ओ प्याज पे प्याज मत जोड़ना, मोरी नाम याद आता है, क्या बोलना पड़ेगा?